सोनाली टेली कम्युनिकेशन, गिट्टी के निर्माता एवं विक्रेता। हमारे यहाँ LNT, JCB, ट्राला, डंपर, वाइब्रेटर, रोलर, पेवर, फ्लोरी आदि मशीन किराए पर उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल 9893057151, फोन नंबर 07542408198। देश प्रेम समूह द्वारा आज नगर में जयस्तंभ चौराहे पर सामूहिक साप्ताहिक राष्ट्रगान का किया गया शुभारंभ। आयोजन में मुख्य अतिथि आजादी आंदोलन के क्रांतिकारी सेनानी सागर सिंह सिसोदिया के पुत्र और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया व कलेक्टर भास्कर लक्ष्यकार रहे। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में ये पहला एक कार्यक्रम होगा जहाँ पे सार्वजनिक स्थल और लोगों ने अपने पूर्वजों को जिन लोगों ने क्रांति और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया उनको याद किया उनको नमन किया। मैं चाहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम मध्य प्रदेश के हर शहर में किए जाने चाहिए क्योंकि राष्ट्र अगर है तो राष्ट्र अगर जिंदा रहेगा, राष्ट्र अच्छा रहेगा, राष्ट्र खुशहाल रहेगा तो हम सब खुशहाल रहेंगे और उसकी नींव जिन लोगों ने डाली उनको हम ना भूलें क्योंकि जिस दिन जो इंसान नींव भूल जाता है ये समझ लो कि नींव भूली और बिल्डिंग गिरी तो वो नींव हमारी फ्रीडम फाइटर्स है देश की उनको हम हमेशा याद करते रहें उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहें। गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार में भगवान गणेश जी की मूर्तियां सजना शुरू हो गई हैं। आकर्षक रंगों में रंगी गणपति की मूर्तियां लोगों को लुभा रही हैं। कल जगह जगह गणेश जी की प्रतिमाएं घरों व झांकियों में होंगी स्थापित। अंकल आपका? मेरा नाम राजू प्रिया। तो ये गणेश जी की दुकान लगाई है आपने ही लगाई? बस गणेश जी दुकान हमने लगाई है, अभी बहुत पुरानी है दुकान हमारी, इनको चालू कागर था नहीं चालू करवाई है जी हमारे पिताजी ने। तो अंकल कैसा क्या माहौल है अभी बाजार में? बिल्कुल डेमे है इस वक्त, कोई गिराकी नहीं यहाँ पे, तो अभी कल से चालू होगी जहाँ छोटी मोटी जगह है जी छोटी जगह में क्या कल से चालू हुआ जाए दुकान लगा लगी बस सस्ती है अभी इस वक्त। मकसूदनगढ़ पार्वती नदी में बहने वाले कल मांगीलाल नाम के युवक का शव आज एमनाखेड़ी गांव के पास पार्वती नदी के किनारे मिला। बाबा रामदेव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज बंजारा समाज ने श्री हनुमान टेकरी से बरबटपुरा देवपुर तक निकाला जुलूस जिसमें हजारों की संख्या में रहे लोग मौजूद। क्या नाम है आपका? गंगाराम बंजारा। हाँ जी बताएं ये यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है? ये अपने हनुमान टेकरी से बाबा रामदेव जी की जो रैली है हाँ तो हम यहाँ से लेते हैं और बरबटपुरा पुलिया तो कुछ आज क्लब कैसे प्लग में निकाली जा रही है? बाबा रामदेव जी को उनका जन्मदिन है। हाँ जन्मदिन है तो कितनी भीड़ है जी आज लगभग? ये मान लो फिर रही कम से कम 4000 के ऊपर ये नीचे की रहेगी। अच्छा कुछ मेला वगैरह लगा है वहाँ पे? मेला नहीं है वहाँ बाबा का मंदिर है निर्माण काम चालू है वैसे राजस्थान में है बाबा का मंदिर बाड़मेर जैसा हाँ तो वहाँ का मंदिर का जो निर्माण हम उनकी मान्यता करते हैं बाबा की हम मंदिर का निर्माण यहाँ भी कर रहे हैं तो यहाँ मंदिर का जो निर्माण कर रहे हैं ना तो भाई हमारे साथ मतलब जैसे बाबा की जन्म जयंती ऐसे रवाना करते हैं। अरुणनगर के दास हनुमान मंदिर के सामने सनातन धर्मशाला की पड़ी खाली जमीन पर मची हुई है गंदगी जिससे आने जाने वाले लोगों को हो रही हैं काफी परेशानियां। सिटी कोतवाली अंतर्गत एक युवक ने युवती का बनाया अश्लील वीडियो बाकी आज सोशल मीडिया पर अपलोड। पुलिस ने किया युवक के खिलाफ मामला दर्ज। शासकीय महाविद्यालय राधोगढ़ में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा जैविक खेती एवं कृषि विकास पर 24 दिवसीय अल्पकालिक रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण का आज किया गया शुभारंभ। आज नरसिंहगढ़ में मारुति नंदन मंदिर पर दर्शन किए कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने बाकिया आशीर्वाद प्राप्त। महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित रह गए समस्त पंजीकृत अपंजीकृत विद्यार्थी 3 सितंबर से 12 सितंबर तक रिक्त सीटों पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रवेश ले सकेंगे। मकसूदनगढ़ के उकाबत में हर साल की तरह इस साल भी बाबा रामदेव जी की जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया जिसमें बंजारा समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
और डीजे की धुन पर झूमते नाचते गाते बंजारा समाज के लोगों ने निकाला जुलूस। आज ये कार्यक्रम रखा है, ये किस संबंध में रखा है आपने? हमारे बंजार समाज के 25 गाँव का क्षेत्र है और हम बाबा रामदेव जी को मानते हैं। बाबा रामदेव जी की आज जयंती के बाद 2008 के दिन उन्होंने जन्म किया था, इसलिए सभी जोर शोर से मनाते हैं और सभी क्षेत्रों में रैली निकलती है। तो पूरी चौराहे पे निकलेगी, बाजार में निकलेगी, मार्केट में निकलेगी और सबको भोजन प्रसादी, मतलब प्रति वर्ष हम ऐसा मस्त भाव सब से कार्यक्रम और एक महीने पहले से तैयारी करते हैं। कितने सालों से चली आ रही है परंपरा? बहुत पहले से 15-20 साल से, मतलब पहले करते थे गांव पे मनाते थे, अब क्या है मंदिर बनवा लिया तो पूरे मिलके मंदिर बनवा लिया, मंदिर में ही सब पूरे एक जगह ही करते हैं सामूहिक। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह बंजारा। कुमराज के ITI कॉलेज में देखने को मिली कई अनियमितताएं, जिसे बने हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर अभी भी है शून्य। जहां बच्चों के लिए ना तो पीने के पानी के लिए है कोई व्यवस्था, न बिजली के कनेक्शन की है कोई व्यवस्था। जब इन सारी अव्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी प्रचार से बात की गई तो उन्होंने फंड ना होने पर बिजली कनेक्शन ना होना बताया। JR सिंह जी, मैं प्रशासन अधिकारी प्रभारी, मेरे साथ में पास में प्रभारी प्रचारी भी है। स्टूडेंट डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं। नहीं, बीच में कभी लेट हो जाते, कभी नहीं आ पाते हैं, नहीं तो आते हैं वैसे। और सर ये पानी के सर, हाँ बात सही है। मेन चीज़ क्या है, लाइट कनेक्शन नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। बीच में अगर पानी जैसे मंगाना होता है तो मंगा लेते हैं। मकसूदनगढ़ में खेत पर मोटर चालू करने के दौरान अभिषेक अहिरवार को लगा करंट। अभिषेक के परिजन अभिषेक के पास पहुंचे व अभिषेक को 1 किलोमीटर तक खाट पर रखकर अस्पताल की ओर भागे। मुख्य सड़क पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस से मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। आपका नाम? ये जो भैया करंट लगा, ये कौन है, क्या नाम है? अच्छा कैसे लगा करंट? अच्छा कहाँ पे गए थे? अच्छा फिर क्या हुआ? इसको वहाँ से करंट लग गया, इसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया, उड़ने में नहीं आ पाई वहाँ पर। फिर आप कैसे लाए? खटिया पे रख के लाए। लगभग कितनी दूर चले खटिया पे रख कर? लगभग 1 किलोमीटर गाड़ी चली। अच्छा फिर कैसे पहुँचे? ट्विटर में रखा, ट्विटर से फिर भी रास्ता खराब था, उसे मुश्किल से निकल के फिर ट्विटर से लाए, फिर एम्बुलेंस मिली खड़ी गया। हाँ उसमें लाए। अच्छा आरोन में आज आगामी त्योहारों को लेकर हुई शांति समिति की बैठक संपन्न। सभी से त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की बात कही गई। इस अवसर पर KL यादव थाना प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान, CMO रमाशंकर शर्मा, नगरपालिका प्रभारी अध्यक्ष मुनीश जैन सहित गणमान्य नागरिक पत्रकार अधिकारी मौजूद रहे। श्वेतांबर जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के 7वें दिन शांतिनाथ भगवान को पालकी में विराजमान कर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गुना की सलोनी जैन ने जिनवाणी चैनल के कार्यक्रम स्वर विद्या कार्यक्रम में भजन प्रस्तुत कर जनता का मन मोह लिया। ग्राम खजूरिया में भूमि पूजन किया कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने, जिसमें मंत्री PC शर्मा व ब्यौरा विधायक व कांग्रेस जन रहे मौजूद। मुनि पुंगव सुधा सागर जी के सानिध्य में पर्युषण पर्व के दौरान विश्व के सबसे बड़े श्रावक संस्कार शिविर में से एक बिजोलिया पारसनाथ में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है, उसके कुछ दृश्य। रोटरी क्लब गुना एवं सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा लगाया गया निःशुल्क नेत्र शिविर, 255 मरीजों की गई जांच। राजगढ़ में लोकदेव बाबा रामदेव के जन्मोत्सव पर आयोजित भंडारे में कैबिनेट मंत्री व जनसंपर्क मंत्री
पीसी शर्मा सही भक्तों के साथ जमीन पर बैठकर किया महाप्रसादी ग्रहण।